नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। 11 उपचुनाव में क्या हुआ? हार जीत हो गई, बीजेपी तो हार गई लेकिन तबस्सुम की जीत हो गई। रातों रात एक मैसेज तैयार हुआ जिसमें तमाम लोग अलग अलग तरीके से, या यूं कहें कि बीजेपी समर्थक, बीजेपी सपोर्टर, बीजेपी वोटर या बीजेपी को चाहने वाले लगातार ये मैसेज वायरल करने लगे कि गन्ना पेमेंट तबस्सुम की कोठी पर मिल रहा है, जाकर ले लीजिए। किसी जगह पर यह दिखा कि ब्रेकिंग न्यूज, तबस्सुम की कोठी पर मिल रहा है किसानों का पेमेंट, जाकर लीजिए। ऐसे ऐसे मैसेज सुनने और देखने को मिल रहे थे। कुछ ही वक्त हुआ है, 4 से 5 दिन ही बीते हैं, लेकिन एक बड़ी खबर आ गई, क्योंकि जो सरकार किसानों के बारे में चुनाव से पहले नहीं सोच पाई, तमाम बड़ी बड़ी बातें कर पाई, लेकिन चुनाव के बाद अब लगता है कि आंखें सरकार की खुल चुकी हैं। और जो सोशल मीडिया पर मैसेज चल रहा था, इस मैसेज में पूरा ना सही, तबस्सुम की कोठी पर ना सही, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों का पेमेंट तो मिल जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार ने 8,000 करोड़ के राहत पैकेज की शुरुआत कर दी है। 8,000 करोड़ का पैकेज चीनी मिलों को दिया जाएगा, जिससे वो किसानों का जो पेमेंट है वो दे सके, यानी किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा हुई है। ऐसे में सवाल ये है कि जब चुनाव था, चुनाव से पहले जब किसान परेशान थे, उनका गन्ना जा नहीं रहा था, गन्ना गया तो पेमेंट आ नहीं रहा था, तब सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया? यानी यूं कहा जा सकता है कि बीजेपी की अगर ये हार ना होती तो शायद किसानों का भला ना होता। अब कम से कम किसानों का भला हो जाएगा, कम से कम सरकार चेत गई है, सोच में पड़ गई है और सोच को अब हकीकत में तब्दील कर दिया गया है। 8,000 करोड़ का पैकेज किसानों के लिए जारी कर दिया गया है, यानी अब किसानों को उनका पेमेंट मिल जाएगा जो गन्ना किसान है। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये तबस्सुम की जीत की वजह से हुआ है। कोई कुछ भी कहे लेकिन हम तो बोलेंगे। तो आप अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या लगता है आपको, अगर यहाँ पर बीजेपी की जीत होती तो क्या इतनी जल्दी पेमेंट हो पाता, और अगर ऐसा ना होता तो क्या होता? तमाम कयास तो लगातार जारी रहते हैं राजनीति में, लेकिन बीजेपी अभी टेंशन में जरूर है। अपनी राय आप रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही आपका अपना चैनल है जो आपके मुद्दों को उठाएगा, आपकी बातें यहां पर बताएगा। नमस्कार। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।